देखिए आप लोगों को हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग बताया जा रहा था। हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग में आपसे क्या कहा गया कि किसी पॉइंट ओ पर, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग इसमें क्या करते हैं, स्ट्रिंग को हम लोग हॉरिजेंटल रखते हैं और एक पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं। चूँकि ये इलास्टिक है तो इसको जब हम दूसरे सिरे से खींचेंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, खींचते जाएंगे इसकी जितनी एक्सटेंड होगी उस वहाँ तक खींचेंगे और फिर छोड़ देंगे, तो स्ट्रिंग इधर वापस आएगी। ट्वेल्थ में आप लोग पढ़ते थे कि स्ट्रिंग जिस पॉइंट पे फिक्स है उसके इधर नहीं जाएगी। देखिए अंतर समझिए, जैसे बहुत से बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि क्यों मैम फिजिक्स वाला ही फिर यहाँ मैथ्स में पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स वाला तो जो आपने पढ़ा पढ़ा, लेकिन एक्चुअल मैथमेटिक्स में क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए ये स्ट्रिंग थी, यहाँ पे हुक लगा करके इसको हमने दबा दिया। इस स्ट्रिंग की ओरिजिनल लेंथ ए है, अब हमने इसको खींच करके छोड़ दिया तो ये वापस से यहाँ आएगी, बढ़ता ये यहाँ आएगी और ये इसके फिर इधर आएगी और अपने मोशन को इस पॉइंट के इधर उधर रिपीट करेगी। मतलब यहाँ पे अगर हमने हुक लगा करके इसको कस दिया और स्ट्रिंग को खींच करके छोड़ दिया तो ये खिंचाई छोड़ने पे वापस यहाँ आई, खींचते इधर आई, फिर इधर जाएगी और फिर इधर वापस आएगी और अपने मोशन को इसी पॉइंट के इधर उधर रिपीट करेगी। फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि इसको खींच के छोड़ देते हैं तो बस ये इधर मोशन करती है। अब मैथमेटिक्स कहता है कि नहीं, जब आप इसको खींच के छोड़ देंगे तो ये वापस से यहाँ आएगी और अपने मोशन को उधर दोहराएगी। क्यों दोहराएगी, वही चीज़ अब हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे कि मान ले रहे हैं कोई हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग है ओ ए, जिसकी नेचुरल लेंथ है स्मॉल ए, ओ पे इसको फिक्स कर दिया गया है इस तरीके से। हमने इसको खींचा पॉइंट बी तक, जिसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है बी, और छोड़ दिया तो ये वापस से यहाँ आएगी। यहाँ आने के बाद पॉइंट ओ इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसी वेलोसिटी से फिर ये इधर आएगी ए डैश डिस्टेंस तक, आगे बढ़ेगी बी तक, फिर बी डैश तक, फिर ये वापस ओ पॉइंट इसको अपनी तरफ खींचेगा, वेलोसिटी घटती जाएगी और यहाँ पर आकर के वेलोसिटी ज़ीरो, यहाँ पर भी आकर के वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। अब इस मोशन को हमको डिस्कस करना है, पता है जब भी मोशन को डिस्कस करना होता है एक आर्बिटेरी पॉइंट पी मानते हैं, इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी एक्स। थोड़ा सा इसका फिनोमेना समझ लीजिए, सबसे पहले ओ ए स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को हमने खींचा बी तक, जैसे जैसे इसको हम खींचेंगे बी तक आएगी तो खींचने पर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ जब तक उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी तब तक खिंचाएगी। चूँकि स्ट्रिंग में वेलोसिटी एफ के कारण एक्सेलरेशन है तो ये वापस से इसको इधर खींचेगी और स्ट्रिंग इधर चली आती जाएगी, उसी स्ट्रिंग उसी वेलोसिटी से इधर आगे की तरफ बढ़ेगी, ये पॉइंट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर आकर के वेलोसिटी ज़ीरो ज़ीरो, वापस से वो पीछे लौटना शुरू करेगी। जैसे जैसे स्ट्रिंग ऐसे आएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसी बढ़ती हुई वेलोसिटी से वो आगे जाएगी, फिर वो पॉइंट उसको अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए बी पर आकर के वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ये इसका फिनोमेना कहलाता है। लिखिए इसमें let one end of the elastic string of natural length small a is equal to OA. Of natural length small a is equal to OA. Be fixed at O. Be fixed at O. And let the particle of mass m. And let the particle of mass small m. Be tied to other end capital A.
टू अदर एंड कैपिटल ए सच दैट इट विल बी पुल्ड आउट टू कैपिटल बी where AB is equal to small b and then released full stop. Let P be the position of the particle at time t. Let P be the position of particle at time t. Let P be the position of particle at time t, full stop, after being released from capital B, let AP is equal to small x, full stop. If capital T be the tension of the spring, then by Hook's law, देखिए अब हम लोग पॉइंट पी पर हुक्स लॉ लिखने चल रहे हैं. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी बुक में जो हुक्स लॉ है वो बहुत डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है. हम लोग एक सिंपल सा फेनोमेनो अडॉप्ट करेंगे, फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ वाला, ठीक है. तो अगर हमारा टेंशन टी इधर की तरफ है, टेंशन टी हमेशा इनवर्ट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है. अगर आप इधर खींच रहे हैं तो टेंशन अंदर लगेगा, अगर आप अंदर खींच रहे हैं तो टेंशन बाहर लगेगा, बिल्कुल उल्टा लगता है. चूंकि हमने स्ट्रिंग को इधर खींचा तो टेंशन इनवर्ड लगेगा. तो हुक्स लॉ कहता है टी इज इक्वल टू लैम्डा पॉइंट पी पर टोटल लेंथ. टोटल लेंथ मतलब ए प्लस एक्स माइनस नेचुरल लेंथ. नेचुरल लेंथ हमने कहा था ए अपॉन ए. दिस इंप्लाइज T is equal to lambda x by a, equation number one. नीचे लिख लीजिए, ये लिख लीजिए नीचे से लिखिए, where lambda is the modulus of elasticity, full stop. डायग्राम बनाइए. नीचे से लिखिए, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज. अब हम आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना सिखा रहे हैं. देखिए, चूंकि सारी डिस्टेंस ओ से मेजर हो रही है, तो ओ से पी तक की या ए से पी तक के डिस्टेंस एक्स है. एक्स डिस्टेंस इधर की तरफ है, जबकि टेंशन, चूंकि इधर खींच रहे तो टेंशन इनवर्ड इधर की तरफ है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो टी इज इक्वल टू एम एक्स, डबल डॉट होगा लेकिन डायरेक्शन सेम करने के लिए, माइनस. नीचे से लिखिए, हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, नीचे से लिखिए, T is equal to minus mx double dot. नीचे से लिखिए, from equation one, comma we have,
फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज माइनस एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा एक्स बाई ए. दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम इंटू एक्स. लिखिए नीचे से लिखिए दिस इक्वेशन शोज दैट द मोशन इज एस एच एम अबाउट कैपिटल ए whose period of oscillation is क्या होता है 2π/√μ होता है. यही वैल्यू अंडर रूट म्यू को दिखाती है. मिलेगा 2π/λ/AM अंडर रूट में इज इक्वल टू 2π√AM/λ. देखिए इज यही चीज उसी में आगे बढ़ा करके. इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 2. ये एग्जाम में आता है भैया डेरिवेशन, है ना, तो उसी हिसाब से पढ़ करके जाइएगा. नीचे से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन टू वी कैन ऑल्सो राइट इक्वेशन टू से लिख सकते हैं d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम इंटू एक्स. दिस इम्प्लाइज दैट d/dt(dx/dt) इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम इंटू एक्स. दिस इम्प्लाइज दैट d/dx(dx/dt) × dx/dt) हम करके दिखा रहे हैं, आज के बाद से हम डायरेक्ट लिखेंगे. इसको dx में कन्वर्ट कर दिया, d/dx ब्रैकेट वाला टर्म, dx को बैलेंस करने के लिए dx/dt, इससे ये कट जाएगा वापस से d/dt और ब्रैकेट में dx/dt आएगा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम इंटू एक्स. दिस इम्प्लाइज दैट v dx इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम इंटू एक्स. दिस इम्प्लाइज vdv इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम इंटू एक्स डीएक्स. इसी को आपको इंटीग्रेट करना है. ऑन इंटीग्रेटिंग आज के बाद ये समझ लीजिए x डबल डॉट की जगह हम ये चीज़ डायरेक्ट लिखेंगे vdv/dx. ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको मिल जाएगा इंटीग्रल vdv इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम इंटीग्रल एक्स डीएक्स. दिस इम्प्लाइज v²/2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम इंटू x²/2. साथ में एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल B. अब हम लोग इस कांस्टेंट कैपिटल B की वैल्यू निकालेंगे. इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, इनिशियली देख लीजिए, फिर करिएगा. इनिशियली जैसे ही पार्टिकल को V से छोड़ते हैं, इनिशियली व्हेन
पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम बी एट रेस्ट देन, देखिए पॉइंट बी पर वेलोसिटी जीरो है और पॉइंट बी पर एक्स की वैल्यू, एक्स कहाँ से था, ए से जो दूरी मापते हैं उसको एक्स कहते हैं, तो ए से बी की दूरी कितनी है, बी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब इससे छोड़ा जाएगा इज रिलीज्ड फ्रॉम बी एट रेस्ट देन वी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू बी कह लीजिए या एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। रीज़न क्या है, ये जनरली ये चीज़ कोई आपको कोई टीचर नहीं बताता। देखिए हम आपको बता रहे हैं, जब पार्टिकल को बी से छोड़ेंगे रिलीज करेंगे तो पार्टिकल इधर आएगा, तो बी ए की डिस्टेंस माइनस बी आएगी। आपने कहा ए बी इज इक्वल टू बी, लेकिन जब रिलीज करेंगे तो ये इधर आएगा, दैट मीन्स बी ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज जीरो इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम माइनस बी का स्क्वायर बाय टू प्लस कैपिटल बी। दिस इम्प्लाइज कैपिटल बी इज इक्वल टू, इधर आएगा लैम्डा अपॉन ए एम इंटू बी स्क्वायर बाई टू। इस वैल्यू को ले जा करके पुट कर देंगे थ्री में, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थ्री कॉमा वी गेट, थ्री में आप पुट करोगे तो मिलेगा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम एक्स स्क्वायर बाई टू बी की जगह प्लस लैम्डा अपॉन ए एम वी स्क्वायर बाई टू। दिस इम्प्लाइज दैट इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा, वी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, टू से टू कैंसिल कर दीजिए, तो मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए एम बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर एक दो तीन फोर। वेलोसिटी मिल गई। देखिए मोशन डिस्कस करने का मतलब एक्सीलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सीलरेशन वेलोसिटी। अब हम लोग इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट और फिर क्या निकालेंगे, टाइम। मान लीजिए जब पार्टिकल यहाँ से छूट करके ए पे आता है, लिख लीजिए इतना फिर बता रहे हैं, लिखिए
चलिए देखिए, अब हम पॉइंट ए पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। मान ले रहे पॉइंट ए पर वेलोसिटी है वी ए, तो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए एम बी स्क्वायर माइनस एक्स। का मतलब था किसी भी पॉइंट की ए से दूरी, तो ए की ए से दूरी क्या होगी, जीरो। दिस इम्प्लाइज वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए एम इंटू बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज वी ए इज इक्वल टू बी अंडर रूट लैम्डा अपॉन ए एन। इक्वेशन फोर के नीचे से लिखिए, इक्वेशन नंबर फोर के नीचे से लिखिए, व्हेन द पार्टिकल रीचेज एट कैपिटल ए, व्हेन द पार्टिकल रीचेज एट कैपिटल ए देन एक्स इज इक्वल टू जीरो। व्हेन द पार्टिकल रीचेज एट कैपिटल ए देन एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो, हैंस द वेलोसिटी एट कैपिटल ए इज गिवन बाय, हैंस द वेलोसिटी एट कैपिटल ए इज गिवन बाय, ये लिखिए। अब आपको इसका पूरा मोशन हम समझा रहे हैं और बहुत इत्मीनान से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो चीज़ हम आपको बेसिकली बता रहे हैं ना किसी बुक में मेंशन है ना आपको कोई और बताएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। देखिए देखिए, एक्चुअली में इस मोशन में हो क्या रहा है वो बात बता रहे हैं हम। उसी डायग्राम को एक बार फिर से यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। आज आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, जब स्ट्रिंग में एक्सटेंशन होता है तभी स्ट्रिंग में टेंशन होता है। सबसे पहले हमने क्या कहा, एक स्ट्रिंग थी हमारे पास ओ ए, जिसको हमने ओ पर फिक्स कर दिया एक काटी से। फिर हमने ये, इसकी नेचुरल लेंथ थी स्मॉल ए, हमने इसको खींचा बी तक, यहाँ तक। जब हमने इसको खींचा, खींचने पर ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा लेंथ हुई, मतलब एक्सटेंशन हुआ, तो अभी हमने कहा एक्सटेंशन होता है तो टेंशन होता है। हमने इसको इधर खींचा है तो टेंशन इधर होगा। खींचा मान ले रहे ए से जितनी डिस्टेंस हमने खींची वो स्मॉल बी है, एक्सटेंशन होता है तो टेंशन होता है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले ओ ए हमारी नेचुरल लंब लेंथ की कोई स्ट्रिंग थी ए, हमने इसको खींचा कहाँ तक, बी तक। खींच करके बी तक लाए तो बी पर वेलोसिटी ज़ीरो, खींच करके बी तक लाए तो बी पे वेलोसिटी ज़ीरो। चूँकि इसमें एक्सटेंशन है इसलिए टेंशन पाया जाएगा, इस टेंशन के कारण स्ट्रिंग वापस अपनी पोजीशन ए पर लौटेगी। ए पर आते ही टेंशन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ए पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन ये क्या, पार्टिकल की ए पर वेलोसिटी पाई जा रही है बी अंडर रूट लैम्डा अपॉन ए एम, इसी वेलोसिटी के कारण पार्टिकल आगे बढ़ेगा और बढ़ते 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 ओ पर आएगा और ओ से वापस से बढ़ते 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 ए डैश तक आएगा। जैसे ही ए डैश पर आएगा, ए डैश से आगे बढ़ेगा बी डैश तक, जैसे ही ए डैश पर आएगा फिर ए डैश पर इसकी वेलोसिटी बी अंडर रूट लैम्डा अपॉन ए एम होगी। इसी वेलोसिटी से ये आगे बढ़ेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन होगा तो टेंशन पाया जाएगा, यहाँ पर आकर के इसकी वेलोसिटी फिर से ज़ीरो हो जाएगी। चूँकि इसमें टेंशन है इसी टेंशन के कारण वो वापस से यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद टेंशन ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी पाई जा रही है उसी वेलोसिटी से ये फिर आगे बढ़ेगा, ओ पर आएगा, ये आगे बढ़ा आपका यहाँ तक क्योंकि एक्चुअल लेंथ है, आगे बढ़ा यहाँ पर आपका पार्टिकल, फिर ए पर आएगा तो ए पर आने के बाद ये वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, एक्सटेंशन होगा, टेंशन पाया जाएगा, यहाँ पर आकर के वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, फिर टेंशन के कारण वो वापस से इधर की तरफ खिंचाएगा।
और इस तरीके से वो बार बार ओ के इधर उधर अपने मोशन को रिपीट करेगा और SHM बनाएगा। तो ये याद रखिए, जब एक्सटेंशन होगा तो टेंशन पाया जाएगा, और जब एक्सटेंशन नहीं होगा तो टेंशन ज़ीरो होगा। ए पर वेलोसिटी है, उसी वेलोसिटी से ये आगे बढ़ता है यहाँ तक, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आता है, एक्सटेंशन है, टेंशन है, वापस से यहाँ आया, यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है इसलिए टेंशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक्सटेंशन है तो टेंशन होगा, एक्सटेंशन नहीं है तो टेंशन नहीं होगा। बस ये एक छोटी सी चीज़ आपको अपने माइंड में लेकर के चलनी है। अब ये पूरा प्रोसीजर हम आपको लिखवा रहे हैं कि सबसे पहले ए पे था पार्टिकल, ए से खींच करके बी तक लाए, एक्सटेंशन हुआ, टेंशन पाया जाएगा, बी पर वेलोसिटी ज़ीरो, इसी टेंशन के कारण भी वापस इधर की तरफ खिंचाएगा, ए पर आया वेलोसिटी पाई जाएगी, उस वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाएगा, फिर बी पर आकर के वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, एक्सटेंशन है तो टेंशन पाया जाएगा, वापस यहाँ आएगा और बार 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 ये अपने मोशन को रिपीट करेगा। अब ये पूरा प्रोसीजर हम आपको लिखवा रहे हैं कि किस तरीके से ये SHM करेगा। लिखते चलिए और समझते भी चलिएगा, यही चीज़ पूरी की पूरी लिखवाई जा रही है। लिखिए, As soon as the particle reaches at capital A, as soon as the particle reaches at capital A, comma, the string regains its natural length, the string regains its natural length and consequently t is equal to zero. And consequently t is equal to zero. और जब टेंशन नहीं होगा तो SHM भी नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। SHM हमारा कहाँ कहाँ हो रहा है? जहाँ जहाँ एक्सटेंशन होगा वहाँ वहाँ टेंशन होगा और वहाँ वहाँ SHM होगा। तो यहाँ पे एक्सटेंशन है, टेंशन है, तो ये SHM हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक खींचने में SHM, यहाँ से यहाँ तक आने में SHM, टू टाइम्स, इतनी दूरी में कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई SHM नहीं, यहाँ से यहाँ तक आने में SHM, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में SHM, टू टाइम्स। तो हमारा SHM कितने टाइम्स हो गया? 2+2, दैट इज़ 4 टाइम्स। सबसे पहले हमारा पार्टिकल OA पे था, OA से खींच के B तक लाएं, एक SHM, एक से फिर यहाँ आया, दो SHM, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ तीन SHM, तीन से यहाँ आया, चार SHM, फिर यहाँ आ गया पार्टिकल। तो इस मोशन में कुल मिलाकर के SHM चार पार्ट में हो रहा है, A टू B, B टू A, A डैश टू B डैश, B डैश टू A डैश, एक्सटेंशन, टेंशन, SHM। तो इतनी दूरी में SHM होगा, इतनी दूरी में SHM होगा, इतनी दूरी में नो SHM, नो SHM, यहाँ से यहाँ तक नो SHM, ठीक है। Therefore, SHM ceases. C-E-A-S-E-S. Ceases. Therefore, SHM ceases. C-E-A-S-E-S. Ceases. मतलब जैसे ही टेंशन जीरो हुआ पॉइंट ए पे, SHM खत्म हो जाएगा, सीज कर जाएगा, ceases. But the particle has a velocity. VA is equal to B under root lambda upon AM at capital A, but the particle has velocity VA is equal to B into under root में lambda upon AM at capital A, full stop. Therefore, it continues to move with this velocity, therefore it continues to move with this velocity till O and goes beyond O to A dash where OA dash is equal to OA is equal to small a, where OA dash is equal to OA is equal to small a, full stop. As soon as the particle goes
beyond a dash as soon as the particle go beyond a dash comma the string again becomes extended the string again becomes extended and the tension comes into play such that the particle moves under SHM such that the particle moves under SHM to B dash such that the particle moves under SHM to B dash where A dash B dash is equal to AB is equal to small b where A dash B dash is equal to AB is equal to small b नीचे से लिखिए at B dash the motion stops at B dash the motion stops comma but due to tension comma the particle retrace its path but due to tension comma the particle retrace its path under SHM till it comes to A dash and then under uniform motion till the point capital A and then again under SHM and then again under SHM till the point capital B full stop at B the motion stops and then it released देखिए ब्लैकबोर्ड पे बना है A to B B to A SHM A dash to B dash B dash to A dash SHM बीच में आपका no SHM एक्सटेंशन होगा टेंशन होगा SHM होगा एक्सटेंशन नहीं है टेंशन नहीं होगा SHM नहीं होगा फिर लिखिए does the motion from A to B comma B to A comma A dash to B dash and B dash to A dash is a SHM and the time of this SHM is and the time for this SHM is इस पूरे SHM को करने में लगा टाइम क्या है ये रहा t is equal to 2 pi ये 2 pi under root am upon lambda 2 pi under root am upon lambda अब हमको अगर एक के लिए टाइम चाहिए होगा तो देखिए यहां से यहां तक लिखिए नीचे से अब हमको यहां से यहां
और यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम निकालना है। तो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी करेंगे। यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ तक आने में चली गई दूरी ए ए ए ए फोर टाइम्स है, दैट इज़ 4a, और आपने टाइम निकाल वेलोसिटी निकाल रखी है पॉइंट ए पर। ए पर वेलोसिटी है बी अंडर रूट ए अपॉन ए एम। चूँकि ये SHM नहीं है तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, इस पूरे मोशन के दौरान वेलोसिटी यही रहती है। तो वेलोसिटी पता चल गई, टाइम पता, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, तो टाइम आपका मिल जाएगा। नीचे से लिखिए मोशन फ्रॉम ए टू ए डैश, मोशन फ्रॉम कैपिटल ए टू ए डैश एंड ए डैश टू ए, मोशन फ्रॉम कैपिटल ए टू ए डैश एंड ए डैश टू ए हैज टाइम, हैज टाइम टी इज इक्वल टू 4a अपॉन वेलोसिटी बी अंडर रूट पाई अपॉन ए एम। दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4a अपॉन बी इंटू अंडर रूट ए एम अपॉन लैम्डा। लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टाइम है, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टाइम पीरियोडिक टाइम है। तो टोटल टाइम अगर इस मोशन के लिए हम निकालते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, हेंस टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज, हेंस द टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज टी टोटल इज इक्वल टू, आपका ये टाइम प्लस पीरियोडिक टाइम ऐड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट टी टोटल इज इक्वल टू 4a अपॉन b इंटू ए एम अपॉन लैम्डा, और पीरियोडिक टाइम आप निकाल रखे हैं यहीं कहीं, मिटा दिया क्या हमने, पीरियोडिक टाइम आया था आपका 2π अंडर रूट ए एम अपॉन लैम्डा। दिस इम्प्लाइज दैट टी टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट ए एम अपॉन लैम्डा 2π प्लस 4a अपॉन बी। यही टोटल टाइम होगा। टोटल टाइम का मतलब ए से बी, बी से ए, ए से ए डैश, ए डैश से बी, बी डैश से ए डैश, ए डैश से ए तक आने में लगा टाइम। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आने में जो लगा टाइम है वो है स्मॉल टी, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम है कैपिटल टी। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको ये टोटल टाइम मिल जाएगा। ये आर्टिकल आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, इसको उतार लीजिए पूरा का पूरा, पूरा आर्टिकल आपका फिनिश्ड है। लिख लीजिए ये सब, नीचे से लिखिए विच इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्प्रिंग, 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 विच इज Which is all about horizontal elastic string.